देशरे पुणि थरे कोविड संक्रमण मामला बढ़ुथिया बेले केन्द्र सरकार नेइछंती बड़ निष्पत्ति। केन्द्र मोदी सरकार समस्त लगी बुस्टर डोज मागणार जोगाइ देबे। 18 वर्षर अधिक वयस्क मागणार नेइपरिबे कोविड भैक्सीन र बुस्टर डोज। एने केन्द्र कैबिनेट बैठक में निष्पत्ति नियाइथिबा सूचना देइछंती केन्द्रमंत्री अनुराग ठाकुर। देशरे एबे दैनिक 15,000 रु अधिक कोरोना संक्रमित चिन्हट होउछंती। पुणि संक्रमण बढ़ुवा बेले समस्त टीकाकरण उपरे गुरुत्व देइछंती सरकार। आसंता 15 तारीख रु बुस्टर डोज आरंभ हेबो। एही अभियान 75 दिन जाए चलिबो। एबे सुद्धा देशरे 169 कोटि वैक्सीन डोज दिया जाय सरलेनी। भारत दुनिया के शायद ही कोई दूसरा देश ऐसा हो जिसने अब तक 199 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन करने का काम किया है, और एग्जैक्ट फिगर कहूँ तो 199,60,000 के लगभग अब तक वैक्सीनेशन हुआ है। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, और इस सारा अधिकतर इसमें जितना भी सरकारी जगह पर हुआ सारा मुफ्त में वैक्सीन अब तक लगाने का काम किया गया है। संक्रमण बढ़ुवा बेले देशर अधिकांश लोक कोविड टीकार दुईट जाक डोज नहीं सारी, किंतु बुस्टर डोज अनेक लोक नहीं नहांती। लोके आउ टीका ने आग्रह देखा बेले लोक टीकाकरण प्रति आकर्षित करने को सरकार बुस्टर डोज को मागणा कर। जुलाई 15-75 दिन जाए केन्द्र सरकार मागणे लोक कोविड टीकार बुस्टर डोज जोगाई देवे। भारत आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है, और आज़ादी के अमृत काल के अवसर पर एक कॉल ये भी ली गई, एक निर्णय लिया गया है कि 15 जुलाई 2022 से लेकर अगले 75 दिन तक, यानी कि 15 जुलाई से अगले 75 दिन तक देश के 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के जितने भी नागरिक होंगे उनको बूस्टर डोज बिल्कुल मुफ्त में देने का निर्णय लिया गया है। किसी दिन तक सरकार द्वितीय डोज परे बुस्टर डोज नेबार समय सीमा को कमाई थिले। पूर्वर कोविड टीकार द्वितीय डोज नेबार 9 मास परे दिया जाउथिला बुस्टर डोज, एबे याकु 6 मास को ह्रास कर। 18-69 वयस्क 77 कोटी लोक बुस्टर डोज नहीं बेले संख्या बढ़ेबा को सरकार आरंभ करिसेंती मागणा अभियान। ब्यूरो रिपोर्ट, ओडिशा संवाद।